अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दस्तर रहमान और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम जो है वो उसे ऑलवेज़ ऑन रख सकते हैं अगर उसमें फ़ीचर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास मोबाइल है तो यहाँ पर मुझे ये वाला फ़ीचर यहाँ पर इसमें नहीं मिल रहा। स्क्रीन टाइम आउट में चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 15 सेकंड से 30 मिनट तक है और नेवर यानी कि अगर मैं ऑलवेज़ ऑन रखना चाहूँ स्क्रीन को तो यहाँ पर मुझे वो वाला फ़ीचर नहीं मिलता। तो अगर आपके मोबाइल में ये वाला फ़ीचर नहीं है तो इसे आप किस तरह से मतलब इसकी सेटिंग कर सकते हो और कैसे करना है आप दोस्तों को दिखाऊँगा, बहुत ही आसान है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्ले स्टोर में चलते हैं, यहाँ पर आपने टाइप कर देना है स्क्रीन टाइम आउट, तो यहाँ पर स्क्रीन टाइम आउट ये वाला ऐप मिल जाएगा, इसे आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसे मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 5 सेकंड से 30 मिनट तक है और डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मैंने 1 मिनट पर रखा हुआ था। तो यहाँ पर मुझे इस ऐप के थ्रू यहाँ पर टाइम आउट के फीचर को डिसेबल करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ, यानी कि ऑलवेज़ ऑन रहेगी मेरी स्क्रीन। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर सेटिंग में, मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ स्क्रीन टाइम आउट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पहले 1 मिनट पर मैंने सेलेक्ट किया था तो ऑटो यहाँ पर डिसेबल हो चुका है, वैसे आप इसे डिसेबल नहीं कर सकते। तो अभी ये चीज़ हो चुकी है और यहाँ पर मैं ऐप को अनइंस्टॉल इजीली कर सकता हूँ यहाँ पर सेटिंग करने के बाद, क्योंकि मैंने सिर्फ वो सेटिंग अप्लाई करनी थी डिसेबल वाली कि मेरी स्क्रीन जो है ऑलवेज़ ऑन रहे। तो दोबारा से फिर मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ, डिस्प्ले में चलते हैं यहाँ पर स्क्रीन टाइम आउट। तो अभी जो है यहाँ पर आपको 15 सेकंड से 30 मिनट तक ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन टाइम आउट में आपको ऑलवेज़ ऑन या नेवर का ऑप्शन नहीं मिलता था। तो ऐप की मदद से हमने इसे डिसेबल कर दिया और फिर ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया और यहाँ पर भी कोई भी टाइमर नहीं लगा हुआ। अभी जो है हमारी स्क्रीन ऑलवेज़ ऑन रहेगी, जितनी देर मर्जी चाहो आप इसे यूज़ कर सकते हो मोबाइल को, इसकी स्क्रीन टाइम आउट नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैं टोरेंट यूज़ करता हूँ कोई फाइल डाउनलोड करने के लिए, तो उस दौरान अगर मोबाइल की स्क्रीन ऑफ हो जाए तो बैकग्राउंड से ऐप जो है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, जिसके वजह से जो डाउनलोडिंग है उस पर इफ़ेक्ट होता है। ऐप बैकग्राउंड से क्योंकि क्लोज़ हो जाता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं इस तरीके से ऐप की मदद से ऑलवेज़ ऑन वाला फ़ीचर अप्लाई कर देता हूं और ऐप की भी बाद में आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इजीली अपना मोबाइल नॉर्मल यूज़ कर सकते हो। तो मेरे लिए ये फ़ीचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑलवेज़ ऑन वाला। तो अभी ये सेटिंग हो चुकी है, ये मेथड आपने यूज़ करना है, ये वाला ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक करें ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए। शुक्रिया।